साहस की जरूरत तो तब पड़े ना जब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा खड़ा हो जो वाकई डरावना हो। एक आदमी पी करके पेड़ को भूत समझ रहा है और कांपे जा रहा है, हिले जा रहा है, पजामा गीला किए जा रहा है। उसको साहस चाहिए कि होश चाहिए? किसी को साहस नहीं चाहिए, तुम्हें होश चाहिए। साहस मांगना और ज्यादा दर्शाता है कि बड़े बेहोश हो। यहां पेड़ के सामने खड़े हो और लग क्या रहा है तुमको कि दैत्य है, राक्षस है, और तमाम तरीके के मंत्र पढ़ रहे हो और पाठ पढ़ रहे हो, और मेरे पास आकर के कह रहे हो गुरुदेव किसी तरह साहस दीजिए, आज इस प्रेतात्मा का वध करके मानूंगा। तुमको साहस दूं या नींबू चटाऊं? बोलो, तुम्हें तलवार नहीं चाहिए, तुम्हें चाकू चाहिए जिससे नींबू कट सके और तुम उसे चाट सको ताकि थोड़ा होश आ जाए। अस्तित्व में क्या है जो तुम्हें डरा रहा है? तुम हो कौन जिसका कोई कुछ छीन लेगा? तुम कहां के धन्ना सेठ हो? है क्या तुम्हारे पास? सुना है ना तीन दोस्तों की कहानी, एक भिखारी, एक अंधा, एक बहरा। बहरा चिल्लाता है, अरे मुझे सुनाई पड़ रहा है। लुटेरे चले आ रहे हैं, उनके शस्त्र खनखना रहे हैं और उनके घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही है और पृथ्वी हिल रही है। अंधा बोलता है, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, मुझे तो दिखाई पड़ रहा है धूल का वो गुबार जो उनके घोड़ों के दौड़ने से उठ रहा है। और भिखारी लगा रोने, ले भगवान आज तो लुटी जाएंगे, हे भगवान आज तो गई सारी संपदा। क्या है रे तेरे पास? क्या है इसके पास? हाँ, कौन क्या लूटेगा इसका? जिनके पास कुछ ऐसा होता है जिसका मूल्य होता है, वो न सिर्फ मूल्य जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि जो कुछ मूल्यवान है वो लुट नहीं सकता। और जिनके पास सिर्फ वही सब कुछ होता है जो मूल्यहीन है, वो न तो ये जानते हैं कि मेरा जीवन मूल्यहीन से भरा हुआ है, और न ही ये जानते हैं कि मूल्यहीन से जीवन भरना जीवन की बर्बादी है। और सोने पे सुहागा ये कि उन्हें बड़ा डर रहता है कि मेरा सोना चांदी कहीं छिन न जाए। जैसे मुर्दा भागा हो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा, प्राण अमूल्य है, कहीं खरोंच भी लग गई तो मैं अपना इलाज कराऊंगा, उसके लिए पहले से ही प्रबंध करना आवश्यक है। तुझे अब खरोच क्या लगेगी? तू तो
और मुर्दे की जान खतरे में, भिखारी की तिजोरी खतरे में, बुद्धू की बुद्धि खतरे में, जो नकली होता है वही लगातार अपने आप को खतरे में पाता है और अपने आप को बचाने की, सुरक्षा देने की कोशिश में लगा रहता है। दोनों तरफ से मारे गए, पहली बात तो जो पाया वो नकली और मूल्यहीन, और दूसरी बात जो पाया वो तनाव लेकर के आया कि मुझे बचाओ, और जिन्होंने वास्तव में पाया उन्होंने दो तरफा पाया, पहली बात तो पाया जो पाने लायक था वो पाया, और दूसरी बात बेफिक्र पाया, पा भी लिया और ये भी पता है कि आश्वस्त है, छिनेगा नहीं। जिनको छिनने का डर हो उन्होंने कचरा ही पाया है, कचरा पाया है और उसे छिनने भी नहीं देना चाहते। तुम्हारा तो कोई कुछ लूटने आए तो तुम उसके पांव पकड़ लो, बोलो महाराज भगवान मुझे पता था तुम लुटेरे के ही भेस में आओगे, लो लूटो मुझे, और वो घबरा के भागे तुमसे तो तुम उसका पीछा करो, बोलो लूटना अब छोड़ क्यों रहा है। तुम्हारा तो परम सौभाग्य होगा अगर कोई तुम्हें लूट ले, लूटो जिसको पकड़े बैठे हो उसे जाने दो, वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो किसी के काम का नहीं है। साहस नहीं, सहज होश, धूमिल की बड़ी प्यारी पंक्तियां कहते हैं, मुझे साहस नहीं सहजता चाहिए ताकि मैं आम को आम और चाकू को चाकू कह सकूं। बात खत्म। विज्ञापन दो मुझे लूटना है और बोलो जो मुझे लूटेगा उसे मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, जितना लूटा तो लूटा, लूटने के अलावा उसे और दूंगा शुल्क फीस, जिसने तुम्हें लूटा उसने तुम पे एहसान किया उसे कुछ दोगे कि नहीं।